संविधान की उद्देशिका से आज हम चर्चा करेंगे। संविधान के प्रथम सेगमेंट से हमारा लक्ष्य है कि हम 15 जनवरी से पहले संविधान के पूरे सेगमेंट आप तक अपलोड कर दें, तो आप तक पहुंच जाए। चाहे पुलिस का कोई एग्जाम देना हो, उसकी तैयारी करने के लिए पूरा संविधान पूरा हो जाना चाहिए। दूसरी कोशिश है पूरी साइंस पूरी कर दें, और हो सकेगा तो कुछ रीजनिंग के चैप्टर भी सॉल्व कराएंगे। हिंदी चल रही है, ऑलरेडी हिंदी के 6-7 वीडियो पढ़ चुके हैं, तो इसके माध्यम से हम शुरू करेंगे। लेकिन आज पहला वीडियो है संविधान का उद्देशिका, और आपसे उम्मीद है कि आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अभी तक उद्देशिका आप पढ़े होंगे, सब जगह तैयारी कर रहे हैं, तो आप बताइएगा कैसा लगा, फिर उसी हिसाब से आगे उसमें और बढ़ाया जाएगा। और कुछ दिक्कत होगी, गलत समझ में आएगा, तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके उसको पूरा किया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को, वक्त बिना गंवाए। जो सामने उद्देशिका लिखी गई है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, जो उद्देशिका लिखी गई है उद्देशिका 1976 के अकॉर्डिंग है। यह उद्देशिका 1976 के अकॉर्डिंग लिखी गई है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका, मूल उद्देशिका जो इस समय चल रही है वो कब से ली गई है, तो इस समय की उद्देशिका कब से है, 1976 से। हम इस चक्कर में रहते हैं, संविधान जब बना तो उद्देशिका उसी समय बनी होगी, तो क्वेश्चन में 1947 लगेगा, हालांकि ऊपर दिया गया, अभी बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया संविधान के उद्देश्य क्या, पंडित स्रोत, किसी चीज को हम जानने के लिए उसका क्या ढूंढते हैं, स्रोत ढूंढते हैं कि आखिर में ये चीज ली कहाँ से गई, यह चीज कहाँ से ली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 जनवरी 1947 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत, इसका स्रोत क्या है उद्देश्य क्या का, कि 13 जनवरी 1947 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव तथा ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो अगर ये पूछा जाता है कि उद्देशिका पे किस देश के संविधान का प्रभाव पड़ा, तो आपको बेहिचक किस पे जब टिक करना है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान पे टिक करना है। अब आगे चलते हैं, उद्देशिका में जो कुछ लिखा गया है इसमें कुछ चीजों को जोड़ा गया है, जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तो इनके विषय में जानेंगे। सबको लिखा गया है, देखते हैं पढ़े क्या लिखा गया। देखिए लिखा गया है यहाँ पे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, फिर आगे है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो ये उद्देशिका लिखी गई है इसका कुछ लक्ष्य होगा, कुछ उद्देश्य होगा, तो जो लक्ष्य है उद्देश्य है सब कुछ यहाँ लिखा गया है। एक एक करके हम समझेंगे क्या क्या है और क्या इसका मतलब है। पहला देखिए, पहले सेगमेंट को अगर हम यहां से देखें तो पहला सेगमेंट है, हम भारत के लोग, यानी हमारी उद्देशिका या हमारा संविधान किसके लिए है, भारत के लिए, और भारत में किसके लिए, भारत को एक, ध्यान से देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक, जैसे कहते हैं हम मतलब क्या लग रहा है कि हम सबका एक की बात हो रही है, सबको मिलाकर के एक कहा जा रहा है, तो हम भारत के लोग यानी भारत के नागरिकों की बात की जा रही है, और हमारा संविधान पूरा पूरा किस पे निर्भर है, भारत की जनता के ऊपर निर्भर है, यानी इसका हेड कौन हो गया, कौन हो गई, जनता। हम भारत के लोग, भारत के, हम भारत के लोग मतलब कौन, भारत के पूरे
समाज के, और समाज में कौन है, पूरी जनता है। तो हो गया हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम अपने आप में पूरा संपन्न है। इस टर्म को पकड़िए यहां से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारी पूरी प्रभुता अपनी है, हम अपने आप में पूरे संपन्न है, किसी की आवश्यकता नहीं है। इस शब्द की मीनिंग क्या होगी कि इसका मतलब होता है कि हम किसी पे आश्रित नहीं है, सब कुछ हम कर लेंगे, चाहे वो विदेश नीति हो, देश में कोई सुरक्षा की जरूरत हो, हमें किसी दूसरे देश के ऊपर हम निर्भर नहीं है। सीधा सा ये अर्थ है कि हम किसी देश पर निर्भर नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, किसी देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। सबसे बड़ी बात यही लिखी गई सबसे पहली ही लाइन में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम अपने आप में पूरे पूर्ण हैं, किसी के अधीन हम नहीं है, आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं। आगे है समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है यहाँ पे कि 1942 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में शब्द जोड़ा गया समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि हमारी उद्देश्य क्या, ये कहती है कि भौतिक संसाधन जितने भी भारत के हैं उस पे पूरे समाज का अधिकार है, किसी वर्ग विशेष, धन विशेष, जात विशेष का कोई अधिकार नहीं, बल्कि किसका अधिकार है, समाज में सभी लोगों का अधिकार है। तो एक कब जोड़ा गया, एक टर्म पूछा गया क्वेश्चन है कि समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, 1976 में, कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। फिर आगे दिया गया है पंथ निरपेक्ष, अगला टर्म है समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हम सारे धर्म को यथावत मानेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को हम स्वतंत्रता रूप से मान सकते हैं, कोई एक धर्म का नहीं मानेंगे। भारत का जो धर्म होगा वो धर्म किसका होगा, मानवतावादी धर्म हो सकता है, या उसी को क्या, सॉरी, उसी को क्या कहते हैं जो मानवतावादी धर्म है, या उसी क्या कह सकते हैं, मानव का धर्म है। तो यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हम कैसे हैं, पंथ निरपेक्ष है, धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बहुत बड़ी चीज, लोकतंत्रात्मक, एक हो लोकतंत्र है हमारे यहाँ, राजतंत्र नहीं है, कौन सा तंत्र है, लोकतंत्र। लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, मतलब इसका सीधा सा है लोकतंत्रात्मक का कि हम किसी भी को वंशानुगत, इस टॉपिक का है यहां पे, देखिए डबल स्टार लगा है, वंशानुगत शासन नहीं दे सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई भी नेता से लेकर के कोई बड़े उच्च पद पर राष्ट्रपति बन सकता है, किसान का बच्चा भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो पहला ही उदाहरण था डॉक्टर, पहले राष्ट्रपति आप कैसे थे, किसान के बच्चे थे। तो देश में किसी भी लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं, यानी वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था, जो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था कौन सी शासन व्यवस्था है, वंशानुगत शासन नहीं करा सकते। इलेक्शन होता है, लोग चुन के जाते हैं, जनता चुनती है, चुन करके जाते हैं और फिर जनता के लिए कानून बनाते हैं संसद में बैठ करके, उसी कानून का रूल रेगुलेशन होता है। तो इसके लिए अगर पूछा जाएगा तो बस आपको एक शब्द लिखना है कि वंशानुगत शासन व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं चलती, यानी कोई वंशज उत्तराधिकारी या देश का राष्ट्रपति नहीं हो सकता, उसे जनता चुनती है। अगला, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां देखिए एक चीज और दी गई है, उसके समस्त नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उसको हमको देना क्या है। हमारे देश में तीन चीज का वो दिया गया है, रेड पेंसिल लिखा गया है, न्याय, स्वतंत्रता और समता, तीन चीजों का अधिकार दिया गया है, किसका, न्याय का, स्वतंत्रता का और
समता का, समानता का पहला अधिकार देखते हैं। न्याय में क्या क्या है, कह रहे हैं न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। हमें तीन प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। जबकि स्वतंत्रता किसकी दी गई है, विचार की। हम अपना विचार कहीं भी रख सकते हैं, किसी के सामने हम अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे हम अपना विचार आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको पूरा सिलेबस दे दें। अभिव्यक्त की, विश्वास की, हम किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी मजहब में विश्वास रख सकते हैं, इसके लिए कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता। धर्म और उपासना की, हम अपने धर्म को अपने सम्मान के साथ मना सकते हैं, उसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा बल्कि सुविधा देगी। अगर राज्य को हस्तक्षेप करना होता तो किसी भी धर्म के लिए राज्य सुविधा देती है, पुलिस प्रोटेक्शन देती है, लोगों को मनाने के लिए सुरक्षा देती है। सारे धर्म को सरकार स्वतंत्रता देती है मनाने के लिए, आप अपनी उपासना कर सकते हैं, वो क्या है, स्वतंत्रता है। फिर आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब समानता दी जाती, किसकी, प्रतिष्ठा की। आप अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बना सकते हैं। अवसर, अगर सरकारी कोई नौकरी निकलती है, सरकारी किसी जगह जरूरत पड़ती है, सरकार जरूरत पड़ती है, तो सबको समान अवसर दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग इस पे कहेंगे कि समान अवसर कहाँ, आरक्षण चलता है, तो वो हम आपको बताएंगे जब भाग पढ़ाएंगे, तो उस भाग में बताएंगे कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों दी गई है। बहरहाल यहाँ पे समानता दी जाती है हर एक नागरिक को प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में जो भारत के लोग हैं। एक संविधान सभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने शुरू में बताया ना स्रोत क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, तो उसमें कराने के लिए तथा उन सब में, उन सब मतलब भारत के लोगों में व्यक्ति की गरिमा, सबकी अपनी एक गरिमा होती, सबका एक, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, हमारा राष्ट्र एक, तो हमारे राष्ट्र की एकता। हम छोटे छोटे कितने राज्य हैं, 36 टोटल हैं, जिसमें 29 क्या है, राज्य हैं और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। ये सब जुड़ करके किसके अधीन है, केंद्र के अधीन। ये सब जुड़ करके किसके अधीन है, केंद्र के अधीन है। तो राष्ट्र की एकता जो संघ सूची में बना दिया जाता कानून, वही सब जगह माना जाता है। तो एकता में सर्वोच्च कौन है, केंद्र। तो एकता और अखंडता, जो कभी टूट ना सके, अखंडता मतलब, खंडता मतलब टूटना, अखंडता मतलब जो कभी टूट ना सके, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा, लोगों में ऐसे भाईचारा। अगर देखिए इस सारी चीजों को देखिए तो भाईचारा रहेगा ना, किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं है, सब में समानता दी जा रही है। भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के, आज ये संकल्प लेते हैं किस बात का, संविधान सभा में आज तारीख, संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को अधिकृत हुआ था, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। मित मार्ग, अच्छा आप जानते हैं कि विक्रमी संवत में 57 साल जोड़ दिया जाता है, किसी ईस्वी में अगर हम 57 साल जोड़ दें तो विक्रमी संवत आती है। तो वही कह रहा है कि इसका आगे लिखा गया है मित मार्ग, पंचांग के हिसाब से मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी मतलब उजाले का दिन है, सातवां उजाले का दिन, संवत 2006, यानी 57 साल और जोड़ दिए तो 49 में 57 जोड़ेंगे तो देखिए लगभग इतना आएगा, इतना क्या, इतना ही आएगा। 2006 विक्रमी संवत को एदत द्वारा, सबके द्वारा जो सूची बनी थी, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, हम खुद इसको स्वीकार करते हैं, आप सब स्वीकार करिए। और ये हमारे देश का संविधान की उद्देश्य क्या है। अब इसमें 2-3 प्रश्न आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। प्रश्न क्या आता है
एक मामला आया था इनरी बेरुबारी की, इनरी बेरुबारी की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान उद्देश्य क्या संविधान का अंग नहीं। इनरी बेरुबारी का एक मामला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। वो इसलिए कहा गया, काफी सोची कि अगर किताब के पहले कोई प्रस्तावना लिखी है तो क्या वो आपका कोर्स है? कोर्स नहीं है। उसी के आधार पे, एक मैं अपने तरफ से तथ्य दे रहा हूँ, ऐसा कोई लिखित तथ्य नहीं है, उसी आधार पे सर्वोच्च न्यायालय में सोचा होगा ये तो उद्देश्य क्या, एक प्रस्तावना तो इसका क्या। बाद में उसको अपनी बात को खंडित करना पड़ा और केशवानंद भारती का एक मामला आया जिसमें उसे अपने बात को खंडित करके ये कहना पड़ा कि नहीं, उद्देशिका संविधान का एक अंग है और उद्देशिका का महत्वपूर्ण रोल है संविधान में। लेकिन इसमें एक चीज ये कह दिया गया है कि किसी भी न्याय के लिए उद्देशिका का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई न्याय है तो वहां उद्देशिका से न्याय नहीं कराया जा सकता है। दूसरा एक चीज और है उद्देशिका का, कि उद्देशिका में परिवर्तन भी किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता। कुछ अगर हमको संशोधित करना, जैसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष आया ना, केशवानंद भारती का मामला 1973 में था, और उसके बाद जब कोर्ट ने कह दिया कि इसके मूल ढांचे को छोड़ करके इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक, और यहाँ पे अखंडता शब्द जोड़े गए, ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं। फिर अगला इसी को उद्देशिका को यम हिदायतुल्ला एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। उद्देशिका संविधान की क्या है? आत्मा है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उद्देशिका का अंग कहा था, आत्मा कहा था। लेकिन यम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा है। दोनों लोगों में थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने 32वें मतलब अनुच्छेद 32 को कहा था और यम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को कहा था। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये था उद्देशिका। आगे क्रम से भाग अनुच्छेद चलेंगे, कोशिश करूंगा कि 15 दिनों तक पूरा कोर्स खत्म हो जाए। देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, तब तक के लिए नमस्कार।